Hello guys, welcome to the community of gamers Sparkly Bad 024. Hope you guys doing great. With that said, आज हम बात करने वाले हैं फ्रंट रो गेमिंग के बारे में. डिस्कस करेंगे फ्रंट रो गेमिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लेके चलेंगे इस वीडियो को एक कंक्लूजन की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्रंट रो गेमिंग रियली में वर्थ इट है या फिर नहीं. विद दैट सेट स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को. मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हो Sparkly Bad 024. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यार, सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों के मन में आता है ना, वो ये होता है कि भाई ये फ्रंट रो है क्या चीज वैसे. तो यार, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फ्रंट रो बेसिकली एक स्किल लर्निंग एंड स्किल एनहेंसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अपॉर्चुनिटी देता है आपको अपनी स्किल्स पे वर्क करके उनको एज प्रोफेशनल करियर ग्रो करने का. अब यहाँ पे स्किल से मेरा मतलब है हॉबीज, ठीक है. हॉबीज क्या होती है मोस्टली लोगों की, जैसे कि कॉमेडी, एक्टिंग, म्यूजिक, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स. हर एक सेगमेंट पे इन्होंने वर्क किया है, ठीक है. प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स इन्होंने हायर किए हैं आपके लिए, ताकि कि आप अपने किसी भी हॉबी पे वर्क करके उसको स्किल में कन्वर्ट कर सको और स्किल को प्रोफेशनल करियर के तौर पे अपना ग्रो कर सको. तो यार, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट इज फ्रंट रो. आई होप आपको पता चल गया होगा फ्रंट रो आखिर है क्या चीज़. वहीं अगर हम बात करें कि फ्रंट रो गेमिंग क्या है, तो यार फ्रंट रो गेमिंग ही बेसिकली, अब मैं सबसे पहले बात करूंगा गेमिंग क्या होती है. यार कोई भी आप लोग गेम्स खेलते हो, गेमिंग एक हॉबी के तौर पे खेली जाती है, बट यार अब वो टाइम जा चुका है कि गेमिंग एक हॉबी थी. गेमिंग के थ्रू लोग काफ़ी अपना प्रोफेशनल करियर डेवलप कर चुके हैं, जैसे कि थग, मॉर्टल, ये तो इंस्ट्रक्टर भी हैं इसी कोर्स के. साथ ही साथ डायनमो की अगर मैं बात कर लूँ, कैरी मिनाटी की बात कर लूँ, तो ये सब वो लोग हैं जो गेमिंग के थ्रू एक अपना प्रोफेशनल करियर भी ग्रो कर चुके हैं. ये गेमर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना. तो दैट्स व्हाट फ्रंट रो गेमिंग इज ऑल अबाउट. सो आई होप आपको फ्रंट रो एंड फ्रंट रो गेमिंग के बीच में जो डिफरेंस है और उनके बारे में पता चल गया होगा. तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो के सेकंड सेगमेंट की तरफ. तो अब दूसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई ये फ्रंट रो जो है बेसिकली एज अ होल, ये कब आया था इंडिया में. अगर मैं इसकी बात करूं कि कब आया है ये इंडिया में, तो इसको आए हुए यार काफ़ी टाइम हो गया है. ऑल्दो ये 2021 में ही आया, तो एक फ्रेश कोर्स ही है अभी भी, और एक कोर जो सेगमेंट है इसका वो भी बिल्कुल फ्रेश है कि ये स्किल सेट पर वर्क करता है. बट ये आया है कब, इसकी तो मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, बट अराउंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में. अब एज अ फुल पोटेंशियल ये अभी भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि शुरू में जब ये आया था इसके अलग अलग सेगमेंट्स थे, जैसे कि गेमिंग, कॉमेडी, स्पोर्ट्स, और आगे भी इनके अलग अलग प्लान्स हैं इसी को लेकर के. तो फुल पोटेंशियल पे अभी भी काम नहीं कर रहा, बट फ्रंट रो अपने फर्स्ट सेगमेंट जो कि शायद कॉमेडी था, उसके साथ ये आ गया था जनवरी से मार्च के बीच में. वो एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, बट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ये इंट्रोड्यूस हो गया था. तो आप लोग जा सकते हो इसके साथ, ये बिल्कुल फ्रेश कोर्स है और आगे फ्यूचर को लेकर के ही ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है. अब बात करते हैं अपने थर्ड सेगमेंट और थर्ड मोस्ट आस्क क्वेश्चन के बारे में कि भाई क्यों यार, क्यों ये फ्रंट रो गेमिंग ही क्यों जाना है भाई, कुछ और नहीं है क्या, यूट्यूब पे कुछ नहीं है ये वो. मेरी बात सुनो, फ्रंट रो गेमिंग को चूज करने के ना दो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और वो पता है क्या है. सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो है यार कोविड की सिचुएशन के बाद ना करियर के डायनामिक्स काफ़ी बदल चुके हैं. अब लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी वर्क करना शुरू कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है ना, आप जो जिस करियर में हो, जो जॉब आप कर रहे हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं ये है कि आप एक बहुत ही स्किल्ड गेमर हो, तो डेफिनेटली यू कम अप विद अ बैकअप प्लान, ठीक है. ये गेमिंग आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है, और फ्रंट रो गेमिंग आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है आपके गेमिंग करियर को और आपके गेमिंग को प्रोफेशनली ग्रो करने में, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गेमर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो खुद में भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड करियर वाइज भी काफ़ी अपनी ग्रोथ अटेन कर चुके हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प होने वाली है आपकी अपने गेमिंग स्टाइल को, अपनी गेमिंग स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो करने के लिए. अब आ जाता हूँ यार मैं अपने सेकेंड रीज़न पे कि वाई फ्रंट रो गेमिंग. तो किसी भी कोर्स को इंटरेस्टिंग कौन बनाता है, टीचर्स,
इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो यार यहाँ पर जो हमारे पास दो फिनोमिनल गेमर्स हैं ना, उनका नाम है 8-Bit Thug एंड Soul Mortal, शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, सही प्रोनाउंस कर लूँगा। चलिए बात करते हैं अपने इन दोनों इंस्ट्रक्टर्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 8-Bit Thug के बारे में, जिनका नाम है अनिमेश अग्रवाल, यार ये काफ़ी एनालिटिकल वाइज बहुत ही इनको एक्सपीरियंस है, काफ़ी गेमिंग सेगमेंट्स में, गेमिंग टूर्नामेंट्स में इनको एज अ कॉमेंटेटर, एज अ होस्ट इन्वाइट किया गया। अब कॉमेंटेटर एंड होस्ट उनको इन्वाइट किया जाता है जिनका एनालिसिस उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को लेकर के काफ़ी बढ़िया होता है। तो यार ये एनालिटिकली काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर होने वाले हैं। इनकी अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूँ तो पबजी स्टार चैलेंज एशिया जो कप था उसमें इनकी 12th पोजीशन थी 2018 में, नीमो स्ट्रीमर्स बैटल सीजन 2 2019 में जो हुआ था उसमें इनकी 11th पोजीशन थी, एंड बैटल अड्डा 2 ये भी पबजी की टूर्नामेंट है इसमें इनकी 17th पोजीशन थी और जो कि हुई थी 2019 में। ये इंडियन स्ट्रीमर्स वाला जो वर्जन है बैटल अड्डा का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। And he also have a YouTube channel जिसमें उनके अराउंड अप्रोक्सीमेटली ये 1 million के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड इंस्ट्रक्टर के बारे में जिनका नाम है Soul Mortal। अगर मैं इनकी बात करूँ, इनका जो असली नाम है वो है नमन माथुर। एंड सीधा बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, भाई ये बंदा धुआंधार है, आग लगा देगा, आग लगवा देगा, तुम लोग लगाओगे, ठीक है। चलो इनके बारे में बात करते हैं, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो है कि यार पबजी मोबाइल इंडिया सीरीज जो 2019 में हुई थी उसमें फर्स्ट पोजीशन बंदे की थी, ठीक है, विद अ कैश प्राइस ऑफ अराउंड $42,000, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए ना तो बैठता है यार तुम्हारा 30-31 लाख, 30-31 लाख के आसपास। कैश प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं फॉरेक्स का अलग सिस्टम है। चलिए बात करते हैं इसके इनके दूसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट अचीवमेंट के बारे में जो कि है नीमो स्ट्रीमर्स बैटल 2019 में भी भाई बंदे की फर्स्ट पोजीशन थी विद अ कैश प्राइस ऑफ अराउंड $1,400, जो कि बैठता है 1 लाख रुपए के आसपास। कोई बात नहीं, पिछली बार से कम है, पर भाई अगली अचीवमेंट सुनो, पबजी मोबाइल क्लब ओपन स्प्रिंग स्प्लिट इंडिया में जो हुआ था 2019 में उसमें भी फर्स्ट पोजीशन, मतलब यार हैट्रिक ही मार दी है, हद हो गई यार। उसमें जो इनको कैश प्राइज मिला था ना वो अराउंड $60,000 के आसपास था, जो बहुत ही ज़्यादा होता है भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है, 45 लाख इंडियन करेंसी में होते हैं $60,000। तो यार ये थी आपके इंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे होने वाले हैं, उनकी अचीवमेंट्स पता चल गया होगा उनके बैकग्राउंड के बारे में, दमदार है भाई, बहुत दमदार है। तो यार अब बात कर लेते हैं इस जो कोर्स है उसके कुछ डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि हैं यार डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगर इतना सब कुछ ऑफर कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिसएडवांटेज एज वेल, जो कि मेरे को लगा वो ये है कि यार जो वीडियो सेशंस है ना, जितने भी आपको जो सेशंस होंगे वो आपके सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं, वो ऐसा मत समझना आपकी नेहा कक्कड़ या कोई राजू श्रीवास्तव या फिर थग एंड मॉर्टल आके आपको लाइव एक सेशन दे रहे हैं कि भाई हाँ इस तरीके से काम करना है, नहीं नहीं, आपके रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे ये, ठीक है। पर इस चीज़ को इन्होंने ओवरकम किया, फ्रेंटों ने इस चीज़ को ओवरकम इस तरीके से किया है कि यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपर्ट फीडबैक का, रेगुलर एक्सपर्ट फीडबैक का ऑप्शन डाल दिया है, जिसकी वजह से यार आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता रहेगा, आपको साथ ही साथ अगर किसी तरीके का कोई डाउट है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है सेशन में, तो वो यहाँ पर आपकी सुनी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको ओवरकम करने की कोशिश करी है। तो अब बात करते हैं आप इस वीडियो के फाइनल पार्ट के बारे में, जो कि है कंक्लूजन, जिसमें मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ अबाउट द कोर्स, ठीक है। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द पॉइंट, यार अगर मैं बात करूँ ना कोर्स की वर्थ के बारे में, तो यार इट्स टोटली वर्थ इट, ठीक है, बिल्कुल अपनी वैल्यू का ये बिल्कुल आपको 100% दे रहा है। पर देर इज़ अ एक्सेप्शन रिगार्डिंग द कोर्स, वो ये है कि यार ये हर किसी के लिए नहीं है ये कोर्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस गेमर हो ना, कि जिसको जिसकी थोड़ा सा स्किल सेट बढ़िया है गेमिंग में, यार आप लोग के लिए तो ये 100% कोर्स है, आप लोग के लिए है, ठीक है। किन के लिए नहीं है वो भी बता देता हूँ, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, यार कम से कम 6 महीने का ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना कि जिसमें आपको पता है कि हाँ यार आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, आपने गेमिंग को टाइम दिया है, आपने देखा कि हाँ यार डायनेमिक्स मैंने मेरे गेमिंग के चेंज हुए हैं, गेमिंग स्टाइल चेंज हुई है। तो वो 6 महीने मिनिमम आपको यार अपनी गेमिंग को पहले देने चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी आपके लिए फिर साबित नहीं होगा ना, ये आपके लिए फिर वेस्ट ऑफ मनी साबित होगा, जो कि नहीं होने देना चाहिए आपको।
आप एक एक्सपीरियंस पहले अटेन कर लो, फिर आप चाहें इस कोर्स को परस्यू कर लेना। विद दैट सेड, एंड करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, होप यू गाइस लाइक इट। एम करते हैं कुछ लाइक्स के लिए, चलिए 25 लाइक्स के लिए, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। और इसी तरीके का गेमर रेडी कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, आई प्रॉमिस, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ यूट्यूब चैनल, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ गेमर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।